हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्वेल्थ के बाद हम लोग देख चुके थे पहले वाले वीडियो में, ट्वेल्थ के बाद हमारा ट्वेल्थ तक देख चुके थे, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। इसमें क्या कह रहा है, इफ़ y की वैल्यू दी हुई है आपको, तो प्रूफ करना एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई। ये वाई टू का मतलब क्या हुआ, डबल डिफरेंशिएशन। इस वाई वन का मतलब क्या हुआ, सिंगल डिफरेंशिएशन, ध्यान रखिएगा। तो आइए इसको करते हैं और हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो 13th क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये हमारा है। अब इसको हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज डी वाई डी एक्स, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये हो गया हमारा। अब इसको डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 3 cos log x का करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे x की तरह ट्रीट करेंगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin log x हो जाएगा, ठीक है। अब log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। प्लस इसी तरीके से इसको करेंगे, sin log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos log x हो जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 3 sin log x अपॉन x प्लस 4 cos log x अपॉन x, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद ये तो हमारा सिंगल डिफरेंशिएशन आया है, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, और इसको हम लोग अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इस, हाँ ठीक है ऐसे ही बने रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर देखें कोई ट्रिक, चलो ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, और एक काम करते हैं कि ये जो x है, इस x को अगर हम लोग इधर ले लें फिर डिफरेंशिएट करें, थोड़ा सा समझिएगा कि इस x को मैं इधर ले लेता हूँ, x डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को डिफरेंस, इसके बाद ये लिखिएगा आप, ठीक है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा, तो अब ये लिखूँगा डी बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ये माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 cos log x, ये हो गया मेरा। अब इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x का पहले डिफरेंशिएशन होगा, तो ये 1 दे देगा, और dy by dx उसी तरीके से रहेगा, प्लस अब इस बार x बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y by dx स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, माइनस 3 बाहर, साइन लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैंने बताया था ये 1/x हो जाएगा, प्लस 4 कॉस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा हमारा, माइनस साइन लॉग एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, इंटू 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो माइनस 3 माइनस और 1/x, ये ऐसे कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ओके, और ये dy वाई बाई डी एक्स हो गया हमारा, प्लस x, दिस इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमने बताया था कि सिंबल में अगर नोट करें तो ये जो है हमारा, इसको y1 से हम लोग डिनोट करते हैं, और ये हमारा वाई टू से करते हैं, माइनस 1/x, और ये हमारा क्या है, यही हमारा वाई है, देखिए 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x है, तो वही हमारा ये क्या हो गया, वाई हो गया।
अब यही चीज़ को हम इधर ला करके लिख दें तो हमारा जो है जो प्रूफ करना है वो एक तरीके से आ चुका है, या फिर इस x का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दें और इसको माइनस को इधर ले आए तो ये जगह एक्स वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस, ये माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसी को पहले लिख दीजिए एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यही हमको प्रूव्ड करना था, दिस इज प्रूव्ड। ओके तो इस टाइप से हमारा ये वाला 13 क्वेश्चन हल हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो हमें लाना था और आ चुका है। तो यहाँ पर मेन ट्रिक था कि इसके डिफरेंशिएशन के बाद इस एक्स को इधर ट्रांसफ़र करना है और फिर डिफरेंशिएट करना है, इसको मत भूलिएगा, ठीक है, तभी ये आराम से प्रूव हो जाएगा। चलिए ये हो गया 13 के बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14th की ओर। तो 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। 14th क्वेश्चन कह रहा है y जो है हमारा a e mx है प्लस b e nx है, तो प्रूफ कीजिए ये चीज़। तो आइए इसको करते हैं प्रूफ। y जो है हमारे पास a e mx है पावर में, b e की पावर nx है, तो इसमें डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा सिंपली, दिस इज़ ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एम ई की पावर एम एक्स। ओके बी इसी तरह इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एन बाहर आ जाएगा, ई एन एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसका फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, और इससे पहले कुछ ट्रिक सोच लेते हैं कि कुछ इसमें अदला बदली तो नहीं करना, तो नहीं करना, इसको ऐसे ही आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो लिखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए, ये एम फिर से आएगा तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा इन टू ई की पावर एम एक्स हो गया, इस एन ये एन फिर से आएगा मल्टीप्लाई में तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा, ये ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। अब फिर उसके बाद ये जो है हमारा ये हो गया हमारा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा आ चुका है। अब ये ए एम स्क्वायर है हमारा, क्या करते हैं इसके एल एच एस में, इसके एल एच एस को लेते हैं और इसमें इसका डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू और सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पुट आउट करते हैं और देखते हैं आर एच एस ज़ीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आइए एल एच एस लेंगे। अब इसका एल एच एस क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन है डी वाई बाई डी एक्स है और प्लस एम एन वाई है, और इसको मैं क्या करता हूँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशंस, इसमें यूज़ करना है तो इसका वैल्यू रखेंगे सबसे पहले, तो ये ए एम स्क्वायर ई एम एक्स आ गया प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स आ गया माइनस ऑफ एम प्लस एन, डबल डिफरेंशिएशन के बाद सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू है हमारे पास ए एम ई एम एक्स प्लस बी एन ई एन एक्स प्लस एम एन, और वाई की वैल्यू यहाँ से जो ऊपर वाला इक्वेशन है ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स, ये हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए क्या आता है, तो ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, सबसे पहले इस एम का इस पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स हो जाएगी, और फिर माइनस एम का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो ये एन है तो ये हो जाएगा माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। अब इस n का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ a m n e की पावर m x, और इस माइनस n का करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ b n स्क्वायर e की पावर n x। अब इस m n का करेंगे तो प्लस m n a e m x हो गया प्लस m n b e n x हो गया। अब देखते हैं कौन कौन कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से देखा जाए तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, और ये बी एम एन बी एम एन ई एन एक्स ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो सारे के सारे कैंसिल आउट हो गए और इक्वल टू ज़ीरो आ गया, दिस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड।
इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। तो 14th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th। तो 15th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि y जो है हमारे पास है 500e7x प्लस 600e-7x। प्रूफ कीजिए जो d2y/dx2=49y होता है। तो आइए इसको करते हैं हम लोग 15th क्वेश्चन को सॉल्व। तो 15th क्वेश्चन में है हमारा y=500e7x प्लस 600e-7x, ये हो गया हमारा। अब इसमें जो है डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx। दिस इज dy/dx 500e7x प्लस 600e-7x, ये हो गया। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये 7x का 7 आ जाएगा इधर बाहर, तो 7 × 5 = 3500, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ। या फिर मैं ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ, अभी मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, ठीक है। तो 500 × 7 × e^7x प्लस 600 × इसका करेंगे तो -7 हो जाएगा, और फिर × e^-7x आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx2, दिस इज इक्वल टू 500 × 7 × फिर से 7 आएगा e × e^7x प्लस 600 × −7 × −7 × e^-7x, ये आ जाएगा। फिर से यही -7 आगे होके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं 7 × 49 कॉमन मिल रहा है, तो 49 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 500 × e^7x प्लस 600, और ये माइनस प्लस हो जाएगा × e^-7x आ गया। दिस इज d2y/dx2, और यही हमारा क्या है, देखिए यही हमारा y है, यही हमारा y है, तो इसकी जगह हम लोग y पुट आउट कर देंगे। दिस इज d2y/dx2, तो यहाँ लिखेंगे hence proved, ओके। तो इस टाइप से हमारा ये 15th क्वेश्चन भी हल हो गया है। तो आप चाहे तो यहाँ पर ऐसे इक्वेशन फर्स्ट लिख करके यहाँ लिख दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो सही रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये जो है 15th क्वेश्चन हल हो गया है। और बातें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने 16th की ओर। तो देखिए 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 16th क्वेश्चन कह रहा है इफ e^y(x+1)=1 सो डैट d2y/dx2=dy/dx2। तो आइए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो y=, है हमारे पास y नहीं है यहाँ पर, सिंपली e^y(x+1)=1 है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो आप इसको सिंपली डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ लिखिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx(e^y)(x+1)=dy/dx1, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x प्लस वन को बाहर लिखेंगे, dy/dx(e^y) करेंगे, प्लस इस बार e^y को बाहर लिखेंगे, dy/dx(x+1) करेंगे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है, ओके। तो ये x प्लस वन हो गया और इसका करेंगे, तो चूंकि ये y है e^y होगा और y का डिफरेंशिएशन dy/dx ही होगा, प्लस ey है और इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, दिस इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पर ey x+1 है, तो देखिए ey x+1 की वैल्यू हकीकत में क्या है, 1 है। देखिए यहाँ पर ey की हकीकत में वैल्यू क्या है, 1 है। तो मैं इसकी जगह पर ey × x+1 की जगह पर फिर से क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ इस इक्वेशन का यूज़ करके।
तो मैं वही करने जा रहा हूँ, इसकी जगह मैंने वन लिख दिया, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया हमारा सिंपली प्लस ई वाई, दिस इज हाँ ठीक है, या फिर ई वाई इन दोनों में है तो मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ कि कॉमन भी ले सकता था, लेकिन नहीं ले पाऊँगा, तो इसमें मैं डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लाना है। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। तो यहाँ पर इसकी जगह मैं वन लिख देता हूँ, प्लस ई वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं फिर से। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे फिर से, यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा प्लस वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और इंटू ई की पावर वाई आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो e की पावर y है इसी को हमें रिमूव करना है, तो इसको कैसे रिमूव करेंगे देखिए, इसको लिख देता हूँ मैं d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू ई की पावर y। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, यहाँ से अगर e की पावर y निकालें तो ये इधर जाएगा, तो ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, यानी लिखूँगा यूजिंग इक्वेशन सेकंड, और यहाँ पर जो वन आया है इसमें यहाँ लिख दूँगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट के हेल्प से मैंने इसकी जगह पे वन लिख दिया। ठीक है, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यही हमको प्रूफ करना था। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव्ड हो गया है। अब 16th के बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 17th की ओर। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखिए, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर है। अब इसको डिफरेंशिएट अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, दिस इज टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो टू टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर दे देगा, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया हमारा। अब क्या करें कि हमारा फ़ायदा हो जाए इसको, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन इस बार वन प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले लेते हैं। ठीक है, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो गया है, और इसको उसी तरीके से लिखे रहने देते हैं। ये अब लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको बाहर लिखे रहने देंगे, डी वाई बाई डी एक्स बाहर हो गया, दिस इज़ डी वाई डी एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस इस बार वन प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर लिखे रहने देंगे और डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस सॉरी इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब इनका डिफरेंशिएशन करें तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का तो टू एक्स होता है, टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर अगर देखें तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, और इसका हो जाएगा टू इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ये डबल डिफरेंशिएशन है तो इसको हम लोग वाई टू मान लेंगे, सिंगल डिफरेंशिएशन है तो वाई वन मान लेंगे, तो ये हो जाएगा टू एक्स इंटू वाई वन प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज वाई टू, दिस इज टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई लाइन में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा, इसको पहले लिखूंगा मैं, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई टू
प्लस टू एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर और वाई वन दिस इज इक्वल टू टू। तो ये जो हो गया है हमारा, ये जो हो गया है हमारा, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बात एक ही है। वाई टू प्लस टू एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन, दिस इज वन प्लस एक्स स्क्वायर, सेम थिंग, दिस इज वाई वन इज इक्वल टू टू। तो इस टाइप से ये प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो इस टाइप से हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम, रॉलीज थ्योरम है, और फिर लैग्रेंज थ्योरम पे बेस्ड कुछ होंगे क्वेश्चंस। मीन वैल्यू थ्योरम और रॉली वैल्यू थ्योरम ठीक है, इस पे बेस्ड है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 5.8 है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।